फाइनली हम लोग आ चुके हैं दुबई। ये आई है हमारी मर्सिडीज हमें पिक करने के लिए। पूल भी है और सब कुछ मिला है। भाई क्या बात है, मतलब हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, लास्ट व्लॉग जिन्होंने भी देखा उनको पता होगा कि मैं कर रही थी अपनी पैकिंग। और आज मैं जाने वाली हूँ अपनी फर्स्ट, हम जाने वाले अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप के, जो कि है हबीबी कम टू दुबई। हबीबी ने इतना बुलाया हमें, हमें जाना पड़ रहा है कि अब तो जाना पड़ेगा। अब हम जा रहे हैं हबीबी के लिए। हबीबी से आपसे मिलवाएंगे भी हम, कौन है हबीबी। और अब हमारी पैकिंग, मैंने हेयर कलर कराया अपना न्यू, और मैंने अपना हेयर कट, ये कलर है, और हेयर कट भी कराया, मैंने अपना हेयर कट कराया, जो कि आपने शायद छोड़ के अम्मी खुद नहीं जाना चाहती है हमारी, अम्मी छोड़कर अम्मी अगली बार इंशाल्लाह जाएंगी, लेकिन अब कोई बात नहीं है, फर्स्ट है हमारा, हम भी तो देख ले पहले क्या कैसे होता है, सारा सीख वीख जाए ना सारा कुछ, तो फिर अम्मी को लेकर चलेंगे। नर्वस हम पहले, लेकिन बहुत खुश भी है, बहुत एक्साइटेड भी है। तो अभी हम लोग बस, मैं तो नहीं हूँ कुछ और ना एक्साइटेड हूँ, अब जाने जाने वाले दिन मेरा मन नहीं कर रहा। हाँ, ये एंड में हो रहा है मुझे भी कि मतलब मन नहीं कर रहा घर छोड़ के जाने का, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो जाना पड़ेगा। थकी हूँ ना, बताओ मैं कितने घंटे हमें निकलने से, वो घर वहां से निकलने से, एक दो तीन चार घंटे हैं, इसमें पैकिंग, इसमें सोना भी है, आराम भी करना है, बहुत, फिर दोबारा मेकअप भी करना है, एक और बार मेकअप हटाने का, मेकअप मन नहीं कर रहा सच में मेकअप करने का, तो मैं ऐसे ही रहूं फिर। और गाइस, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं कैसे पैकिंग करने वाली हूँ। अपना हेयर कट भी कराया था आज, जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा ऐसे, और ये वाला ही मैंने कराया है आज। अभी मैं जल्दी से जा रही हूँ, अपना मेकअप, अपने सनग्लासेस, अपने चश्मे जो भी हैं, और कपड़े और जीन्स और बहुत सारी चीजें जो कि मुझे रखना है। और ये आप सोचो कि कर्टन्स को हमने ऐसे क्यों रख रखा है, वो इसलिए क्योंकि मकासा उस पर चढ़ जाता है, तो इसलिए मकासा और मिम्सू की बहुत याद आएगी। कोई बात नहीं, चलो अभी से जो कुछ होता रहेगा आपको दिखता रहेगा, क्योंकि मैं जब तक दुबई जा रही हूँ आपको यहाँ तक का ब्लॉग इसी में दिखेगा। तो जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को और जल्दी से करो इस वीडियो को लाइक। ये है मेरी पैकिंग जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। ये है कुछ स्किन केयर का सामान जो कि हम लोग अभी लेकर आए हैं, बहुत सारा, इसको भी रखना है अभी। और ये हूँ मैं, ये पागल हो चुकी हूँ, बिल्कुल थक चुकी हूँ, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो चलिए से मुझे सब कुछ पैक करना होगा। ये है मेरा अभी का आउटफिट जो कि मुझे आज पहनना है, ये सारा कुछ मुझे अभी पहनना है थोड़ी देर बाद। तो अब मैं आपको सुबह 4 बजे ही मिलने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, और अब मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रही हूँ, सब कुछ को पूरा पैक करके सारा कुछ, और हमारी टिकट विकेट सब कुछ निकल चुका है, सारा कुछ मैं ध्यान से पहले रख लेती हूँ, और फिर चलो बस निकलेंगे। हेलो गाइस, तो मैं आपको मिल रही हूँ सुबह सुबह बिल्कुल, और सुबह क्या यार, रात ही हो रही है अभी तो, 4:30 बज रहे हैं रात के, और बिल्कुल तैयार हूँ मैं। और ये मेरा आउटफिट है जो कि मैं आपको वहीं जाकर दिखाऊंगी कि मैं कैसी लग रही हूँ एयरपोर्ट पे। और हमारी ट्रॉलीज जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ कि कहाँ पर रखे हैं, और ये देखो हम दोनों का ये लुक है। और मैं सोई नहीं हूँ थोड़ी भी, एक घंटे के लिए भी, मतलब 10 मिनट भी नहीं सोई हूँ मैं, लेटी ही नहीं हूँ, और पता नहीं कैसे निकलने वाली हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। तो अम्मी कुछ कहना चाहोगी, कुछ टिप्पणी? अल्लाह सफर आसान करे। अम्मी बहुत ज्यादा टेंशन में अभी कि कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, क्योंकि पहली बार जा रहे हैं यार, तो ऐसे टेंशन तो होती है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अच्छे से हम लोग पहुंच जाएंगे। और फिर चलो बस निकलते हैं अभी हम लोग, पैकिंग तो हो ही चुकी है, सारा कुछ हो चुका है। बाय बाय मिम्सी, बाय 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 बाय, डर रही है बताओ। गाइस, ये मेरी ट्रॉली है, ये 3 ट्रॉली ले जा रहे हैं हम, एक ये दो और एक उधर है। मकासा किधर है? गाइस, मकासा को बाय बाय कहने आ गई हूँ मैं। हाँ हाँ चलो ठीक है, जल्दी से वापस आ जाओ, आई विल मिस यू। तैयार हो चुकी है, और ये है मेरा पूरा आउटफिट जो कि आप लोग देखेंगे, वहाँ ही दिखाना ना। हाँ, अब मैं वहाँ पे जाकर दिखाऊंगी। हमारी कार भी आ चुकी है और हम लोग निकल रहे हैं बस, और हम लोग तीनों तैयार हैं। हम लोग बैठे गाइस, हम लोग निकल चुके हैं घर से एयरपोर्ट के लिए, और अभी बज रहे हैं सुबह के 5, और हम देखते हैं कितने बजे तक पहुंचते हैं। वैसे तो ट्रैफिक नहीं है अभी, तो बिल्कुल ही जल्दी पहुंच जाएंगे। फ्लाइट जो हमारी वो 8:45 की है, तो हम लोगों को कितने घंटे पहले जाना होगा? 4 घंटे पहले, क्योंकि और भी चीजें होती है और काम बहुत होते हैं, क्योंकि डोमेस्टिक नहीं है, इंटरनेशनल है, तो बहुत टाइम लगेगा। तो चलो चलते हैं, और मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताती रहूंगी। और अभी भी इतनी गाड़ियां यार, 5 बजे भी इतना ट्रैफिक है, मैं दिखाती हूँ। तो चलो अभी चलते हैं, मैं आपको एयरपोर्ट पे जाकर मिलती हूँ। अभी मुझे बहुत ज्यादा नींद भी आ रही है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं यार, सोई एक ये तो फिर भी सोई है, मैंने तो आँख ही बंद नहीं की है, क्योंकि मुझे एक वीडियो एडिट करनी थी, उसको अपलोड किया मैंने, बहुत काम किया है, मैं आई हूँ, तो चलो कोई बात नहीं है। और अभी ठंड भी हो रही है, इतनी नहीं हो रही है, लेकिन हाँ हो रही है, तो इसलिए मैंने जैकेट पहन लिया। पहुंच चुके एयरपोर्ट, और अभी हम लोग उतर रहे हैं अपनी गाड़ी से, और मैंने हमने जो भी जैकेट वैकेट पहना था ना, वो सब अपना रख दिया है। अब हम लोग लेकर जा, कौन ही लेकर जाएगा यार, फिर ट्रॉली को खोलो और रखो, और यहाँ पे हम लोग सामान उतार रहे हैं सारा। गाइस, सब कुछ इतना कर लिया, फोन का कवर ही अच्छा, मेरा खुद अच्छा नहीं है सच में,
लेकिन कोई बात नहीं। और इतनी भीड़ है यार, 5 बजे सुबह सुबह इतनी भीड़ है यहाँ पर एयरपोर्ट पे, लगी नहीं ना कि सुबह के 5 बजे में, लग रहा है शाम हो रही है। भाई चलो यार अभी चलते हैं, मुझे ना मकास में उनसे की और घर की सबकी अम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं यार। और मुझे ना पता नहीं क्यों बैक में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, सर्वाइकल हो गया है, तो इसको था और मुझे लग रहा है मुझे भी हो गया। अब चलो हम जल्दी से अंदर चलते हैं। पहले यहाँ पर हम लोग अपना सामान ट्रांसफर करें एक और पे, ये वाला रख लो, ये ज्यादा भारी है, ये वाला रख लो। मैं अपने साथ लाई हूँ दो मेरे पर्सनल असिस्टेंट, जो कि सारा सामान लेकर चल रहे हैं मेरा, एक है ये और एक है ये, और मैं खुले आम चलूँगी बिल्कुल आराम करना। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है, लेकिन चलो पहले समंदर चलते, पता नहीं कि आवाज़ भी निकल रही है। गाइस ये है मेरा पासपोर्ट, अभी हम लोगों ने अंदर एंट्री की है, और है हमारा सामान जो कि कुछ ज़्यादा ही लग रहा है, पता नहीं क्यों मुझे देख रहे कि मैं यहाँ पर एक शख्स अकेली हूँ जो ब्लॉग बना रही हूँ, पता नहीं क्यों। आप कपड़े में ना कि गर्मियों के तब इसको देख रहे थे, मुझे देख रहे यार कोई क्यों ठंड नहीं लग रही है, इसको ठंड लग रही है क्योंकि मैं जैकेट पहन कर आई थी, मैंने कार में छोड़ दिया, मैंने बोला वो घर दे आएंगे, क्योंकि क्या ही यार मतलब इतना जैकेट पहन के क्या लेकर जाऊँ मैं, हम लोग ठंड नहीं लग रही अब अंदर आने के बाद। ये हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम यहाँ पर सबमिट करें। अब गाइस हमारी चेक इन हो गई है अंदर, और अभी हम लोग गेट्स पे जा रहे हैं, अलाउड, और यहाँ लिखा है कि क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, ये शार्प ऑब्जेक्ट्स अलाउड नहीं, लिक्विड नहीं। गाइस हम आ चुके हैं, अभी हम ड्यूटी फ्री में, हाँ बिना रिकॉर्डिंग बंद करा दे, गाइस शूट करने नहीं दे रहा कोई भी, तो गेट की तरफ जा रहे हैं। और गाइस हम लोग जा रहे हैं अपने गेट की तरफ, ये देख सकते हो आंखों के सामने सुबह हुई है, बिल्कुल सुबह, और यहाँ पे हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, इसी के हिसाब से हम निकल चुके हैं। हम सोच रहे हैं हम लोग थोड़ा लाउंज जाकर देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें थोड़ा सा वेट करना है, और बिल्कुल अभी भी सुबह हुई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सूरज भी नहीं निकला, सनराइज भी नहीं हुआ, क्योंकि अभी हो रहा है 7 कुछ हो रहा है शायद, और इतना सारा टाइम लगा ना इतना कुछ करने में कि मैं ब्लॉग नहीं बना पाई उस टाइम पे। ये है एनकाम लाउंज, जिसमें हम सोच रहे हैं कि हमें जाना चाहिए और देखना चाहिए, थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं, कि मैंने सोचा था कि यार मैं जाऊंगी, लेकिन हमारे पास टाइम तो वैसे भी है, 7:50 पे हमें बोर्डिंग स्टार्ट होगी, तो अभी टाइम है हमारे पास। नेशनल फ्लाइट में बहुत ज़्यादा चीज़ें करानी होती है यार, इमिग्रेशन से लेकर ये वाली बहुत सारी चीज़ें होती है, तो पूछताछ भी है लोग, लेकिन अभी सब कुछ डन हो चुका है। गाइस अभी हम लोग आ गए हैं लाउंज में, और इतनी देर बाद आए हम लोग, भाई मैं क्या बताऊँ यार, तो अब हम लोग कुछ खाने के लिए लेकर आने वाले हैं, क्योंकि यार टाइम मिला तो चलो कुछ खा ही लेते हैं यहाँ पर, खाने के लिए यहाँ पर हमारे न्यूज़पेपर भी है बहुत सारे, ताकि हम अपना टाइम पास कर सके। गाइस यहाँ खाने के लिए तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, ये देखो गाइज अभी हो रहा है 7:28 टाइम, और 7:50 में हमारी बोर्डिंग स्टार्ट है, लेकिन हम लोग अभी भी खाने पीने के लिए आ गए यहाँ पर, ये देखो कितना कुछ लेकर आई हूँ मैं, तो देख लो पहले क्या क्या है मेरी प्लेट में, और साथ ही हम फ्रूट्स भी लाए हैं, तो चलो अब इसके जल्दी से ख़त्म करते हैं, यहाँ से निकलते हैं, और फिर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या करना है, क्योंकि बार बार कुछ ना कुछ लेकर उठा कर ला रही है, हाथ टूट गया बस ठीक है अब हो गया। गाइस घर से हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रेड टोस्ट और चाय रात के 3 बजे हम लोगों ने खा लिया था, क्योंकि हमें निकलना था 4 बजे, तो हम लोग निकल भी गए थे टाइम से, और अभी हम लोग आकर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अच्छे से। जैसे मुझे खाना इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है, अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, और मैंने 3,000 रुपये पे किया है यहाँ पे आने के लिए, इन दोनों ने सिर्फ 2 रुपये पे किए, लेकिन मैंने कोई 3,000 दिए, मेरा कार्ड ही नहीं चल रहा था, इतनी देर तक किया हम लोगों ने लेकिन चल ही नहीं रहा, कोई बात नहीं है मेरे पैसे लगने थे लग गए यार। यहाँ पर इतने सही सही ब्रांड्स है, टेड बेकर लुक्स भी है, अगर किसी को कुछ कराना हो, पोलो है, बॉस है, सलोन है, ये रहा देखो लुक्स, मतलब वाओ सब कुछ है यहाँ पर तो। और यहाँ पर एक प्लेन उड़ने की तैयारी में है, ये विस्तारा की है, पता नहीं कौन सी किधर जा रही है, उड़ने वाली है, और अभी हम नीचे जा रहे हैं ड्यूटी फ्री में, आकर हम देख रहे हैं बहुत सारी चॉकलेट्स की, हमें चॉकलेट्स पसंद है, चलो निकलते हैं यहाँ से। तो अब हम फाइनली अपनी फ्लाइट में बैठने के लिए जा रहे हैं, और सनराइज हो चुका है बिल्कुल मेरे सामने, ये देखो भाई, ये देखो ये सूरज, यहाँ पे हमारी पिक्चर्स बहुत अच्छी आ सकती थी, लेकिन हम नहीं ले पा रहे क्योंकि हमें अंदर जाना है, लेकिन लोग अभी भी यहाँ पे अपनी फोटोज क्लिक करवा रहे हैं। गाइस हम यहाँ अंदर अच्छे से बैठ चुके हैं, वाओ क्वालिटी कितनी अच्छी है, मेरी iPhone 14 की क्वालिटी थी, तो बस करो इसकी इसलिए, और अभी हमने पावर बैंक अपना निकाल लिया गाइस, क्योंकि हमें 4 घंटे सफर करना है, और वो वाला सफर भी करना है, दोनों सफर करने वाले, चलो ठीक है। हाँ
तो अभी हम फ्लाइट उड़ने का वेट कर रहे हैं, बहुत थक चुके हैं यार मेरी तो, मैं तो सो ही नहीं रात भर। मैंने विंडो सीट लिया इस बार, इस बार मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। 15 मिनट्स लेटर सो गया ये जहां सो गया। अभी मैं इतनी देर बाद सोकर उठी हूँ और मतलब कि इतना लंबा सफ़र हमने तय किया यार कि बीच में पानी और क्या क्या पता नहीं क्या क्या देखा, मतलब भाई इतनी दूर तक अभी आए ही नहीं थे ना, तो ऐसा अलग सा लग रहा है थोड़ा बहुत ज़्यादा। तो हम लोग बिल्कुल पहुँचने ही वाले हैं, तब मैं उठी हूँ क्योंकि मैं बहुत सो गई, मुझे दिक्कत हो रही थी ना तो मैं सो गई, मुझे पता भी नहीं चला। और हम लोग पहुँचने भी वाले हैं, अब समझ लो ऑलमोस्ट पहुँच ही चुके हैं और हर कोई यहाँ पर सो ही रहा है, वैसे हम लोग सब सो रहे थे। और गाइस धूप इतनी ज़्यादा है ये देख ही सकते हो आप, और नीचे बहुत सारा पानी है भाई, मुझे इतना डर लग रहा था यार देख देख कर, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। मुझे एक तो बीच की सीट मिली है, विंडो सीट नहीं मिली क्योंकि ये लड़की जो है ना इसे विंडो सीट छीनी मुझसे, तो बात नहीं है। लोग पहुँचते यार नीचे उतरते क्योंकि ना बहुत ज़्यादा दिदार है, अब हम नीचे आ रहे हैं। अब मुझे दिखा कि यहाँ पर हमें मेट्रो से जाना होगा अपने बैगेज रिक्लेम करने के लिए, जहाँ पर हमें अपना सामान मिलेगा और हमें अराइवल्स पे पहुँचने के लिए मेट्रो का यूज करना होगा। अब हम लोग जा रहे हैं थोड़ा कैश निकालेंगे क्योंकि हम लोगों को करेंसी एक्सचेंज करवाना होगा, क्योंकि क्या पता कहीं पर जरूरत पड़ जाए, तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि अभी यहीं पर कर लेते हैं। और चलो पहले हम लोग कराते हैं और पैसे लेते हैं अपने इंडियन करेंसी को, रुपीज को बदल देते हैं अभी। गाइस तो अब हम आ चुके हैं बाहर एयरपोर्ट से, ये आई है हमारी मर्सिडीज हमें पिक करने के लिए, और अब हम लोग जा रहे हैं होटल अपने। बहुत मतलब अच्छा लग रहा है यार, सही से बताऊंगी बाद में मैं आपको सारा कुछ कैसे क्या होता है। और यहाँ पर एक अलग चीज़ ये है कि ड्राइविंग सीट जो है वो हमारे इस साइड होती है यार, हमें आदत ही नहीं है बिल्कुल भी। और ये देखो हम लोग बिल्कुल ऐसे बैठे हैं, और देखो सेट ऑल सेट है, लेट्स गो। गाइस तो अपने होटल आ चुके हैं, रूम में चलते जल्दी से, ये देखो आगे मेरे पास कितना सामान है एक बार देख लो, ये देख लो जरा कितना सामान है मेरे पास। ओह माय गॉड वाओ ब्यूटीफुल, क्या कौन सा इसमें हुआ हुआ देखा ना गाइस। तो मैं फाइनली आ चुकी हूँ अपने होटल रूम में, अब अंदर चलते हैं। सो प्रिटी, और हमारे पास सामान कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ये देख लो जरा अंदर ही नहीं ला पा रहे हम लोग। ओके गाइस तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं और मैं सोच रही हूं कि मैं इस ब्लॉग को एंड कर देती हूं, अगले में रूम टूर दूं। अगले वाले में रूम टूर देंगे क्योंकि अभी ये लंबा हो चुका है बहुत ज्यादा। गाइस रूम हमें इतना ज्यादा फाइनली हम लोग आ चुके हैं दुबई, और मतलब यकीन नहीं आ रहा कि सामने का व्यू जो है ना वो मतलब अनबिलीवेबल लगता है। बेस्ट है यार बेस्ट, अभी मैं आपको दिखा दूंगी वो। तो अभी हम लोग को ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर देना चाहिए, सबसे पहले ना अम्मी से बात करना चाहिए। हाँ अभी सबसे पहले अम्मी को कॉल करना है, मैं आपको यहीं पर रिएक्शन अम्मी को हम लोगों ने कॉल नहीं किया और मेरा तो फोन ही ऑफ होने हो गया। ये देखो यहाँ पर अभी सिर्फ 12:56 हो रहे हैं अब जाकर, और वहाँ इंडिया में जो है टाइम दो घंटे पहले आगे बढ़ चुका है। और गाइस अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि अम्मी से हम लोग बात करते हैं और फिर क्या होता है, क्योंकि अभी हमें पहले सिम लगाना पड़ेगा तो उसके लिए टाइम लगेगा, तो वो कर लेते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ कि बाहर का व्यू कैसा है। ये वाला रूम मैं नहीं ले रही, मैं अपना रूम आपको फिर थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। ये वाला रूम है हमारा, ये देखो, ये माय गॉड ब्यूटीफुल। अटैच हमारे पास वॉशरूम भी दिया है यहाँ पर,
और किचन भी है और हमें PS5 भी मिला है। ओ माय गॉड, वाओ, डुअल कंट्रोलर है वो भी डुअल। याद नहीं बताओ, घर की याद नहीं आने के लिए जो है पूल भी है और सब कुछ मिला है। भाई क्या बात है, मतलब कि और सनलाइट जो यहाँ से मिल रही है ना, और तो कुछ चाहिए ही नहीं था। बस मुंह थोड़ा सा थका थका सा लग रहा है, हम लोग नहाएंगे अभी जल्दी से। यहाँ से ये व्यू है। और गाइस यहाँ पर हम लोगों ने अम्मी से बात कर ली है बड़ी ही मुश्किल से, क्योंकि सिम कनेक्ट नहीं हो रहा था। बस अब मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं पर ही अपना व्लॉग एंड करती हूँ, कि आपको रूम भी तो दिखाना है, सब कुछ दिखाना भी तो है। तो बस अब यहीं पर खत्म होता है मेरे व्लॉग। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। कमेंट करके बताना कि कैसा लग रहा है आपको। मतलब मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यार, दुबई आके वाह, बेस्ट एक्सपीरियंस। अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुल है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो, ये हमारा डाइनिंग एरिया हो गया। यार क्या व्यू है यहाँ का, ये देखो ना, हम सामने से देखकर उसको देख पा रहे हैं, वो हम रिकॉर्ड करके भी नहीं बता पाएंगे। यहाँ खराब हो गई कि अब मैं लिफ्ट में बैठ गई और आज मैं यही स्टे करने वाली हूँ।